Uh, today's notification is regarding banking associates. So let's see this notification, and its uh, last date also is seventeenth of November. So let's check out this notification. Okay, so when you will visit Jammu and Kashmir Bank Limited career section, so you will find uh, uh, this notification along with PO notification. Okay, and uh, along with this, I will say uh, again here, permanent residents of UT Ladakh are eligible. Okay, for these posts. ओके एंड बिकॉज इसमें क्या है स्टार्टिंग में जो फाइव ईयर्स की जो इनिशियल पीरियड की जो पोस्टिंग रहेगी वो लद्दाख में रहेगी ठीक है एंड uh, उन्हीं के लिए एप्लीकेशन को इन्वाइट किया गया है एंड आई मुंबई इसका ऑनलाइन एग्ज़ाम और टेस्ट कंडक्ट करवाएगा ठीक है तो बैंक की वेबसाइट को विजिट कर सकते हो जेके बैंक डॉट कॉम ठीक है एंड uh, ये रिजर्वेशन रखा है इन्होंने एस टी के लिए अगेन आप चेक कर सकते हो ठीक है तो लास्ट डेट इसमें सेवनटीन ऑफ नवंबर है ठीक है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक कर लो आप इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया हुआ है यस yes, एज आप देख सकते हैं इसमें थर्टी इयर्स है मैक्सिमम एज सो नॉट अर्लियर देन फर्स्ट अप्रैल नाइनटीन ठीक है एंड के बाद इसमें एज रिलैक्सेशन भी है जो आपका रिजर्व कैटेगरीज हैं ठीक है अगर आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है किसी भी डिसिप्लिन में किसी यूनिवर्सिटी से तो आप क्या कर सकते हैं यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं ओके एग्जाम स्ट्रक्चर इंग्लिश आर रीजनिंग एंड क्वांट इसमें रहने वाला है दिस आर नंबर ऑफ क्वेश्चन एंड ये है मैक्सिम मार्क्स तो हंड्रेड है मैक्सिम मार्क्स ओके इतना टाइम आपको दिया जाएगा हर सेक्शन को अटैम्प्ट करने के लिए और इसमें कट ऑफ मार्क्स भी रहेंगे सेक्शन वाइज ठीक है देन रॉन्ग आंसर्स के लिए इसमें वन फोर्थ नेगेटिव मार्किंग होनी है ओके तो आपको जो मिनिमम स्कोर है वो यहाँ पर अचीव करना होगा देन ओनली आपका सिलेक्शन होगा एंड ये आपके एग्जाम सेंटर्स रहेंगे ठीक है तो एग्जाम सेंटर रहेंगे ले कारगिल श्रीनगर जम्मू दिल्ली सांबा चंडीगढ़ एंड ये आपके डॉक्यूमेंट्स चाहिए आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए कैसे अप्लाई करना है वो सारा इसमें दिया हुआ है ओके एंड अदर देन दिस पेमेंट कैसे करना है ऑनलाइन मोड के थ्रू वो सारा इसमें एट हंड्रेड इसकी फीस है एप्लीकेशन फीस ठीक है एंड देन फोटोग्राफ सिग्नेचर डॉक्यूमेंट स्कैनिंग हैंड रिटन डेक्लरेशन ये सारा इसमें दिया हुआ है सिलेक्शन क्राइटेरिया दिया हुआ है इन्होंने सिलेक्शन क्राइटेरिया अगेन इसमें डिटेल में दिया हुआ है तो जो भी आपका रिटर्न एग्जाम में जो आपका ओवरऑल मेरिट या आई बनेगी या मार्क्स आएंगे तो उसके बेसिस पर आपका सिलेक्शन होगा ओके okay, एंड तो अगर किन्नी दो कैंडिडेट्स का सेम स्कोर आएगा तो जिसकी एज ज्यादा होगी वो, वो उसका सिलेक्शन होगा ओके तो अगेन इसमें एक टेस्ट है जिसमें रीजनिंग क्वांट और इंग्लिश आएगा और क्या डॉक्यूमेंट एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग आपको प्रोड्यूस करने हैं कोई मेन्स कोई इंटरव्यू नहीं है इसमें जैसे पी के एग्जाम में है ठीक है एक टेस्ट है इसमें जिसमें आपको इंडिविजुअल सेक्शन में कट ऑफ क्लियर करना है तो उसका जनरल गाइडलाइंस हैं क्योंकि आप एग्जाम देने जाएंगे तब आपको फॉलो करनी है क्या सैलरी रहेगी बेसिक के पे, पे क्या रहेगी वो सारा इन्होंने दिया हुआ है ठीक है अगेन आप इसे चेक कर सकते हैं ठीक है सो दैट इज नाइनटीन नाइन हंड्रेड बेसिक सैलरी रहेगी ठीक है बेसिक पे इतना रहेगा विद इंक्रीमेंट्स और पे स्केल दिया हुआ है उन्होंने ओके okay, सो so, और सारी गाइडलाइंस अकॉर्डिंगली आप चेक कर सकते हो नोटिफिकेशन वो सेल्फ डिक्लेरेशन है कि आप परमानेंट रेजिडेंट हो लद्दाख यूटी के ठीक है ये डेक्लरेशन आप सेल्फ डेक्लरेशन फिल करके इसको स्कैन करके अटैच कर सकते हैं ओके सो फ्रेंड्स दिस वाज अपडेट फ्रॉम आर साइड तो बेसिकली इसमें जो अब आपका uh, जो सिलेक्शन रहेगा वो जो आप क्वांट रीजनिंग और इंग्लिश सेक्शन है उसके बेसिस पर ही रहेगा ठीक है इन केस कि नहीं दो कैंडिडेट्स के मार्क्स सेम आएंगे तो जिसका आई विल से एज ज़्यादा होगा वो उसे प्रेफरेंस दी जाएगी ओके फ्रेंड्स सो दिस वॉज द अपडेट फ्रॉम माई साइड फॉर द डे Okay, so thank you very much. Keep watching your PDA job updates and preparation. I will meet you next time with some more job notifications. Thank you very much.